नमस्कार साथियों, साथियों मेरा नाम है राजू यादव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ। आज आम आदमी पार्टी की टीम पहुंची है न्यू गाड़ीबान मोहल्ले में, और कहीं ना कहीं जो है सड़क की दुर्दशा आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं पूरी सड़क आपको दिखाई जाएगी, सबसे ज़्यादा जर्जर हालत में है। और आज कहीं ना कहीं जिन साथियों के यहाँ मकान है, कहीं ना कहीं यहाँ से निकलना तो दूर, कहीं ना कहीं गाड़ियाँ भी यहाँ बड़ी संख्या में फंस रही हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से हम पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला है। दीदी क्या नाम है आपका? विनीता यादव। विनीता यादव जी, ये कौन सा मोहल्ला है और यहाँ पर ये गाड़ीवान मोहल्ला है? न्यू गाड़ीवान जल मंदिर के पीछे। जल भराव हो रखा है, और इससे पहले आपने कभी कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं किया क्या? अरे कोई भी नहीं सुनता है, अपनी बनी सरकार है लेकिन कोई किसी की सुनता नहीं है। वोट के टाइम तो सभी वादा कर जाते हैं, फिर कोई दोबारा आता ही नहीं है यहाँ पे, ना कोई सभासद सुनते हैं और ना कोई वैसे नेता सुनते हैं। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह गिरती हैं, रहती होंगी? बहुत अच्छी तरह से डेली गिरती हैं, अभी क्या तो पानी भरने ही वाला है, यानी कि बंद हो जाएगा। जैसे जैसे पानी भरेगा यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल ताला बन जाता है एकदम यहाँ से। माता जी दे दो, जो भैया को दो भैया। अरे भैया माता जी, अपना नाम बताइए। ये सड़क भरी हुई है, आपने पहले कोई कंप्लेंट नहीं की क्या? कंप्लेंट करी गई, कोई नहीं सुनता। ओके भैया, आपका नाम क्या है? सोनू। तो भैया ये जो सड़क बड़ी जर्जर है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस सड़क के लिए हम लोगों ने कई बार कंप्लेंट की, कई बार जो अपने जो मेनप्री के मंत्री जी हैं उनके यहाँ भी गए कई बार एप्लीकेशन लेके, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। चेयरमैन से भी बोला, सभासद से भी कई बार कहा, जब इलेक्शन टाइम आता है तब सभी कहते थे हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, ये करवा, लेकिन जब हम इलेक्शन खत्म हुआ सब चीज़ खत्म, सब चीज़ कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पोजिशन है कि इंसान बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े भी गिरते हैं पानी में बुरी तरह से, इतनी बुरी पोजिशन है। आपका मतलब दीदी, आपका नाम क्या है? मालती देवी। ये कौन सा मोहल्ला है? न्यू गाड़ीवान। तो यहाँ पर ये समस्या कब से है? कब से है वो हम तो देख रहे हैं, हमें तो 17-18 साल हो गए रहते, हम तो यही समस्या देख रहे। आपने जिलाधिकारी महोदय को कोई ज्ञापन दिया था इससे पहले? लड़के ने दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई नहीं, लखनऊ तक की मतलब वहाँ से फोन भी आया, आपका कुछ सुनवाई हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ तो इसका कारण क्या क्या मतलब, ये फॉर्मेलिटी होती है केवल, बस और कुछ नहीं। फॉर्मेलिटी दिखाते थे, फॉर्मेलिटी हो रही है और कोई मतलब ही नहीं। यहाँ इंसान ही नहीं रहते, ये पोजीशन है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, अभी पानी पानी भर जाएगा ना बच्चे स्कूल जा पाएंगे, ना कोई घर से निकलने वाला निकल पाएगा। देखो पैर हमारी जे हड्डी जे देख ले, मेरे पैर की हड्डी हां जे टूट गए, पैरों में दिक्कत पड़े हुए हैं, पटिया गिर पड़े हां, ये पोजीशन है बहुत। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आते जाओ, आते जाओ भैया, सारे लोग आ जाओ, आ जाओ दीदी, थोड़ा सा दिखनी चाहिए सड़क। आ जाओ दीदी, आ जाओ। चलते रहो, चलते भैया वहां तक जाना, लास्ट तक चलते रहो भैया। हैं साथियों, आप देख सकते हैं कि प्रशासन को यहाँ पे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, कितनी समस्याएं हमारी माताएं बहनें जो हैं, कितनी दोबारा बना ले दूसरी।